राशिद भाई, आपने अपना ब्लड प्रेशर फिर बढ़ा लिया ना। कहा भी था आपको कि वक्त पे दवा लेनी है। मेरी औलाद जिस तकलीफ से गुजर रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं सांस भी कैसे ले रहा हूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस तरह तो आपकी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी। बाबा, आपके स्ट्रेस लेने से हालात बदल तो नहीं जाएंगे ना? हमें इन हालात को हिम्मत से फेस करना है। पिंकी आपी, गुड़िया आपी बेसहारा नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो वो दोनों बेसहारा हो जाएंगी। मैं और आप, हम दोनों ही उनका सहारा है, इसलिए प्लीज दवाई लें। मेरा दिल नहीं चाह रहा यार। प्लीज बाबा, प्लीज। हैरत है मुझे शम्स भाई, क्या आप अभी तक इसी कंफ्यूजन में? अरे पिंकी के शौहर की मौत कोई हादसा नहीं है, ये बात साबित हो चुकी है कि इसके पीछे किसी मावराई ताकत का हाथ है। इसका मतलब ये है कि फिरोज अभी तक पिंकी की जिंदगी से निकला नहीं। ठीक समझे आप, शाहनवाज के कत्ल ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया है। फिरोज से ना मेरा सामना हो चुका है कई बार, मैं जानता हूं बड़ा खतरनाक जिन है वो अपने और पिंकी के बीच में किसी को आने नहीं देगा। इस बात का अंदाजा मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन मैं पिंकी के घर गया था। खामोश इसलिए रहा कि अगर पिंकी के ससुराल वालों को पता चलता तो उसके लिए और परेशानी पैदा हो जाती। बहुत अच्छा किया आपने, पिंकी अभी जिस तकलीफ में है ना, उसका एहसास है मुझे। मैं बहुत ही बेबस महसूस कर रहा हूँ, चाह के भी उसके लिए कुछ कर नहीं सकता। दलाल, मेरा ख्याल है तुम्हें बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। वो जिन ज्यादा तुम्हें पहले के मुकाबले में ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ शम साहब कि उस जिन का और मेरा आमना सामना हो और मैं उसे पिंकी की जिंदगी से निकाल बाहर भी। दलाल, 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 मेरा मशवरा तुम्हें यही है कि जब तक हमें यकीन नहीं हो जाता कि शाहनवाज का कत्ल फिरोज ने ही किया है, उसके ऊपर कोई भी अमल मत करना, क्योंकि अगर तुम उसके ऊपर अमल करोगे तो वो किसी और को नुकसान पहुंचाएगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं इस बात को अच्छी तरह से समझती हूँ।